विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो वो अपने आप को ही फ्लो करने के लिए रेजिस्ट करता है, रोकता है। और जो ये प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड की ज्यादा है हम बोलते हैं कि विस्कस लिक्विड है, और कम है तो नॉन विस्कस लिक्विड है। जैसे आप एक पाइप में शहद को मूव करवाने की कोशिश करो, हनी को, कैसे करेगा? बहुत मुश्किल से करेगा। आप ट्यूब में से जब बाहर निकलेगा भी तो बूंद बूंद करके नीचे निकलेगा, फ्लो करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम बोलते हैं कि विस्कस लिक्विड है। पानी को मूव करवाओ, फटाफट मूव कर जाएगा। पानी एक नॉन विस्कस लिक्विड है तो उसकी विस्कोसिटी कम है। तो विस्कोसिटी क्या हुई? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की या गैसेस की, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, इंटरनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन। जब लिक्विड मोशन में है तो फ्रिक्शन अपने आप अंदर ही अंदर काम करती है, रेजिस्टिंग फोर्स अंदर ही अंदर काम करती है, और जिसमें ज्यादा करती है तो वो लिक्विड विस्कस लिक्विड कहलाता है। द इंटरनल फोर्स ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द लिक्विड। तो ठीक है, वो मोशन को क्या करती है, जो है डिस्टर्ब करने की या रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी, कॉज ऑफ विस्कोसिटी के लिए इसकी जगह पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं विस्कोसिटी के। आप एक कंटेनर लें, उसमें लिक्विड लें, उसमें पानी को घुमाएं, पानी थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगा क्योंकि अंदर ही अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस को रोक देंगे। दूसरा एग्जांपल है, जब हम स्विम करते हैं पूल के अंदर तो पानी हमें अपोजिशन की फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, हमें भी मुश्किल होती है तैरने के लिए, तो विस्कोसिटी है। नेक्स्ट है पोर अ वाटर एंड हनी। एक आप इसमें क्या करें, एक फनल लें, पानी डालें, फटाफट आ जाएगा, नॉन विस्कस है। शहद डालें तो बूंद बूंद करके आएगा, विस्कस लिक्विड है, हाईली विस्कस लिक्विड है। एग्जाम्पल्स हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी होने का रीजन क्या है? तो मान लो ये कोई लिक्विड है, लिक्विड मूव कर रहे हैं। अब लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं, इंट्राटॉमिक फोर्सेस। तो आप इमेजिन करें एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लेयर की तरह इमेजिन करें। इमेजिन करें लिक्विड की सरफेस की एक लेयर है और वो टॉप की लेयर है, और जो टॉप की लेयर है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है मॉलिक्यूल्स ही, पर आपने लेयर की फॉर्म में इमेजिन करना है। उसके नीचे नेक्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको लेयर की फॉर्म में इमेजिन करें, नेक्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेयर की तरह इमेजिन करें, तो कई लेयर्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब पानी मूव कर रहा होगा, सबसे तेज जो मूव करती है वो ऊपर की लेयर सबसे तेज होती है, नीचे की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, नीचे और कम और कम और कम, और ग्राउंड वाली लेयर तक की तो वेलोसिटी तो बहुत ही कम रहती है। तो लिक्विड ऐसे मूव करता है। अब दो लेयर्स कोई भी उठा लें, इमेजिन करें कोई भी दो लेयर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाली, तो होगा क्या, एक तेज मूव कर रही है और एक स्लो मूव कर रही है। अगर इकट्ठी मूव करती तो आपस में कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं थी, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, पर एक तेज मूव कर रही है और एक स्लो मूव कर रही है तो देयर इज सम रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन जो है ये क्या करेगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप कर देगी अंदर ही अंदर, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस लिक्विड में ज्यादा डेवलप होती है वो विस्कस लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं विस्कस लिक्विड है। तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स लेयर के और उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स आपस में बने हुए हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक भागना चाहता है तेज, एक नहीं भागना चाहता, तो ये जोर पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी, राइट। तो इसके अंदर दो लेयर्स हैं, जैसे कोई भी दो लेयर्स ले ली इसने, ठीक, तो लिक्विड मूव कर रहा है दो लेयर्स की फॉर्म में। एक और चीज करने से पहले, टॉपिक का नाम है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कहां से आएगा उसको मैं बताता हूं, पर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल ईटा। याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशन ईटा। ईटा जितना ज्यादा होगा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा लिक्विड का, वो उतना ही विस्कस लिक्विड होगा। हनी का बहुत हाई होता है और पानी का बहुत लो होता है, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी अगर लो होगी, ईटा अगर लो होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नॉन विस्कस लिक्विड होगा, कम विस्कस लिक्विड होगा। अब इसमें मान लो आपने दो लेयर्स ली, ये दो लेयर्स से बहुत दूर दूर बनाई है, लेकिन एक्चुअल में ये काफी पास हैं, ये दो लेयर्स काफी पास हैं, ऐसे हैं, ठीक है, सच दैट जो इस लेयर का डिस्टेंस नीचे से x है अगर, तो ऊपर वाली का x प्लस dx है। इन शॉर्ट वो ये बोलना चाहता है कि दोनों लेयर्स में जो डिस्टेंस है वो कितने dx है।
जो नीचे की लेयर है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो ऊपर की लेयर थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, वी प्लस डी वी, डी वी ज्यादा होगी, रिलेटिव मोशन है। तो यानी कि इनमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, डी वी, डी वी। तो इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर लेयर्स आगे मूव कर रही हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या लिक्विड की रेजिस्टिंग फोर्स है, या विस्कस फोर्स है। विस्कस का मतलब विस्कोसिटी की वजह से फोर्स है, इसको लिक्विड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा एरिया होगा लेयर का, उतनी ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। तो पहला रूल है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया ऑफ ए शीट या एरिया ऑफ लेयर, एक। और दूसरा, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस से डिवाइड करना। तो दोनों में जो भी चेंज इन वेलोसिटी है और दोनों में जो भी डिस्टेंस है, तो डीवी बाय डीएक्स, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करती है। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहली ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स डिपेंड करती है एरिया पे, और दूसरे डिपेंड करती है डीवी बाय डीएक्स पे। इन्हें कंबाइन कर लो, कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट का मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगी कि हनी है या वाटर है, तो यहां पर ईटा लगेगा, और नेगेटिव साइन अपोजिशन के लिए शो किया जा रहा है। तो यहां पर ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, और जितना हाई होगा ये, उतनी फ्रिक्शन की फोर्स भी ज्यादा होगी। तो ये पहला फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, ये काम आएगा आपको, न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम करने हमने, इसमें ये कुछ नहीं करना, इसके यूनिट्स देख लो। ईटा के एसआई सिस्टम में यूनिट्स होते हैं डेकापॉइस, और सीजीएस में यूनिट्स होते हैं पॉइस। अब यूज करेंगे, मैं न्यूमेरिकल में सिखा दूंगा आपको डेकापॉइस एंड पॉइस। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फ्रिक्शन, हमने एक फ्रिक्शन की थी सॉलिड, आज की लिक्विड। सिमिलैरिटी में पहला पॉइंट है दोनों मोशन को क्या करती हैं, अपोज। दूसरा पॉइंट है कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन, और तीसरा पॉइंट है आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दो लेयर्स में मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है जो ऐसा करती हैं। और डिफरेंस है सॉलिड फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता था, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता था, लिक्विड की फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करती है। और दूसरा विस्कोसिटी टेम्परेचर पे चेंज होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हनी की विस्कोसिटी बहुत है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है, वो थोड़ा पतला लिक्विड हो जाता है। पर सॉलिड फ्रिक्शन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं था। तो ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी है, न्यूमेरिकल हमने नेक्स्ट टाइम करने हैं इसके। अभी इसमें जो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, राइट?